क्या आप जानते हैं कि न्यू नाम का एक ऐसा देश है कि वहाँ के करेंसी पर, मतलब वहाँ के पैसों पर पोकेमॉन और मिकी माउस की फोटो छपती है? और क्या आप ये जानते हैं कि डेनमार्क एक ऐसा देश है कि वहाँ के माता पिता अपने बच्चों का नाम ही नहीं रख सकते? तो इस वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकें। फैक्ट नंबर वन, अगर किसी मनुष्य के बॉडी से उसका डीएनए बाहर निकाल कर खोल दिया जाए तो इतना लंबा होता है कि सूरज से लेकर प्लूटो तक और प्लूटो से लेकर सूरज तक की दूरी आसानी से नाप ले सकता है। फैक्ट नंबर टू, क्या आप जानते हैं कि हर्मिंगबर्ड एक ऐसा बर्ड है कि जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है? मतलब जो नॉर्मल बर्ड होते हैं वो सीधा फ्लाइंग करते हैं, लेकिन ये बर्ड सीधा भी उड़ सकता है और उल्टा भी उड़ सकता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये बर्ड एक सेकंड में 80 टाइम अपने पंख फड़फड़ा सकता है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश है कि जहाँ के कॉइन्स पर, मतलब पैसों पर, कार्टून की फोटो छपती है? मतलब हमारे यहाँ गांधी जी की फोटो छपती है और वहाँ पर कार्टून्स की फोटो छपती है। तो इस देश का नाम है न्यू, ठीक है, न्यू। ये देश प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस देश के डॉलर पर, मेरा मतलब है कि कॉइन्स पर, पोकेमॉन और मिकी माउस की फोटो छपती है। ये वही कार्टून है जो हम बचपन में टीवी में देखते थे। मेरा तो बहुत फेवरेट था, क्या आपका भी था? अगर था तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर फोर, एक रिसर्च में ऐसा पता चला है कि अगर हम किसी की सच में केयर करते हैं तो उसके मूड का असर सीधे हमारे मूड पर होता है। मतलब वो खुश तो हम भी खुश, वो दुखी तो हम भी दुखी। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी जो कि हरियल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे इंग्लिश में येलो फुटेड ग्रीन पिजन भी कहते हैं। लेकिन उसकी एक खास बात है, वो कभी अपने पैर जमीन पर नहीं रखता। जी हाँ, आपने सही सुना, उसके पैर कभी जमीन पर आते ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ पसंद है और वो ज्यादातर झुंड में ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स को बताने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल कर दीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम पूरी रस्म रिवाज से उसका नाम रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क एक ऐसा देश है कि वहाँ के माता पिता अपने बच्चों का नाम ही नहीं रख सकते? जानकर अजीब लगता है, लेकिन ये सच बात है। डेनमार्क में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता को बच्चे की पूरी जानकारी सरकार को देनी होती है। बाद में बच्चे का नाम सरकारी लिस्ट में आ जाता है। अगर आपका बच्चा लड़का है तो उसमें उस लिस्ट में पूरे लड़कों के नाम दर्ज होते हैं। इसी लिस्ट में से कोई भी एक नाम चुनना होता है। लड़कियों के लिए भी ऐसी लिस्ट होती है, बस उसमें लड़कियों के नामों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें टोटल लड़कियों के नाम की संख्या 18,000 होती है और लड़कों के नामों की संख्या 15,000 होती है। अगर आप इस लिस्ट में से कोई अलग नाम रखना चाहते हो तो आपको सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, बाद में आपने सोचा हुआ नाम रख सकते हैं आप।